सो हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको लेकर आ चुका हूँ राजस्थान में, और राजस्थान में जिस जगह पर मैं आपको लेकर आया हूँ, पहली बार इस जगह का हम और आप काम देखने वाले हैं, और इनफैक्ट पहली बार इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का इतना मैसिव काम किया जा रहा है अपने देश में। यहाँ पर जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं दोस्तों, ये यहाँ पर होने वाला है एक टर्नल, और जिस जगह पर मैं आया हूँ ये है मुकुंद्रा हिल्स। वैसे इस जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम बहुत सारा देखने को मिलेगा। इस जगह पर आपको व्हीकल्स दिखेंगे जिसकी मदद से पत्थरों को काटकर सुरंग के अंदर से लाया जा रहा है, उनको यहाँ पर डंप किया जा रहा है, फिर व्हीकल के ऊपर लोड करके इसको आगे क्रशर जोन तक भेजा जा रहा है। तो ढेर सारा काम आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। और इस जगह पर जो टनल बनाया जाना है, जो सुरंग बनाया जाना है, वो 4 किलोमीटर लंबा होने वाला है। तो भाई, इससे पहले कि आज के वीडियो को स्टार्ट करें, रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हमें और आपको साथ मिलकर इसी तरीके से देखना है कि किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है। तो राजस्थान में तकरीबन 13 पैकेज हैं, यानी कि 373 किलोमीटर लंबा राजस्थान से हिस्सा होकर गुजर रहा है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का। पैकेज नंबर 4 से लेकर पैकेज नंबर 16 ये पूरा आता है राजस्थान में। जिस जगह पे मैं आपको दिखा रहा हूँ काम, ये है पैकेज नंबर 15 का, जिस पे दिलीप बिल्ड.कॉम काम कर रही है, और 8 किलोमीटर का हिस्सा है जिसके ऊपर ये कंपनी काम कर रही है। 8 किलोमीटर हिस्से में से 4 किलोमीटर का हिस्सा तो इनको टर्नल ही बनाना है, सुरंग ही बनाना है, और सुरंग का काम यहाँ पर देखेंगे तो ये पहली बार अपने देश में किया जा रहा है। ट्विन टर्नल यहाँ पर बनाया जा रहा है, ईस्ट साइड 4 लेन आपको मिलेगा। इतना चौड़ा टर्नल अभी तक अपने देश में बनाया नहीं गया है। जी हां, जहां पर आपको 4 लेन मिले सुरंग के अंदर। और भाई, अगर इस सुरंग की खासियत की बात करूं तो ये साउंड प्रूफ होने वाला है, ये नॉइस प्रूफ भी होने वाला है, और लाइट पोल्यूशन भी नहीं होगा इससे। तो ये जो पूरा टर्नल है, इसका काम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो किया जा रहा है। एक्चुअली जो टनल का काम किया जा रहा है, जो टनल काट कर बनाया जाना है पहाड़ को, वो 3 किलोमीटर का हिस्सा है। तो इसके दोनों तरफ यानी कि साउथ साइड और नॉर्थ साइड में 500 मीटर का एक पूरा स्ट्रेच पहले तैयार किया जाएगा टनल से पहले। वैसे ये 500 मीटर का जो हिस्सा है ये भी आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो देख रहे हो ना, ये जो मैंगो ट्री देख रहे हो, यहीं से एक्चुअली टनल का हिस्सा स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो आपको दिखेगा कि फिलहाल इसके ऊपर तो कुछ पहाड़ तो वैसा है नहीं। तो यहाँ पर क्या करेंगे ना कि ये जो फ्रेम देख रहे हो ना, यहाँ पर लोहे का फ्रेम डाल देंगे, तो जिससे कि आपको ये टनल का हिस्सा ही लगेगा, और इसके ऊपर फिर आसपास यहाँ पर पूरा ये जो पहाड़ का जो मलबा है उसको डालकर, और फिर यहाँ पर आराम से एनुअल अंडर पास ही कह लो, वो बनकर तैयार हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये मेरे जो पीछे आप देख रहे हो, ये जो मुकुंद्रा हिल है ना भाई, ये एक्चुअली टाइगर रिजर्व है जी। तो बहुत सारे आपको जंगली जानवर यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो उन्हीं जंगली जानवर को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पर 4 किलोमीटर लंबा पूरा टनल बनाया जा रहा है, जिसकी मदद से उनके जो जीवन है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, और एक्सप्रेसवे यानी कि हम और आप आसानी से इस जगह से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ड्राइव करके निकल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत जंगली जानवर रहते हैं, और इसी वजह से इस जगह पर आपको टनल का काम देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर 2 टनल, जैसे कि मैंने आपसे कहा, ट्विन टनल होने वाले, और जिस साइड में खड़ा हूँ इसको साउथ साइड बोलते हैं। इस जगह पर टनल के काम की अगर बात करूँ भाई, तो यहाँ पर टनल का जो कटिंग का काम करना है, जो पहाड़ को काटना है ना, वो 3 किलोमीटर का हिस्सा है, उसमें से 1 किलोमीटर का जो हिस्सा है ना, उसकी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। वैसे पूरा टनल 4 किलोमीटर का है, तो उस 4 किलोमीटर में से 1.5 किलोमीटर का तो काम हो चुका है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो टनल को काटना है और 500 मीटर का ये हिस्सा हुआ जी। इस साइड आपको ये काम देखने को यहाँ पर मिलता है। इस टनल में एक और खासियत आपको देखने को मिलेगा, हर 300 मीटर पे टनल के अंदर आपको एक पॉइंट मिलेगा जहाँ से आप टनल में एक तरफ से दूसरी तरफ कनेक्ट कर सकते हैं। वो इसलिए किया गया है कि अगर किसी वक्त पे स्लो डाउन लग जाता है या कोई इमरजेंसी की स्थिति हो जाती है, तो दूसरे वाले हिस्से को इस्तेमाल करके, मतलब ट्रैफिक को डाइवर्ट करके, टनल के अंदर से ट्रैफिक को निकाला जा सके। तो इसी वजह से हर 300 मीटर पे आपको एक पॉइंट मिलेगा जहां से दोनों टनल आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, और ऐसा ही इस पूरे हिस्से पे किया जा रहा है, उसी का काम आपको देखने को मिलेगा। इस जगह पर वैसे देखोगे तो ये पूरा कटिंग का काम आपको दिखेगा जो कि किया जा रहा है, और इस जगह पर दोनों हिस्से पे बहुत तेजी के साथ कटिंग करती हुई आपको मशीनरी भी यहाँ पर नजर आ जाएगी, जिसकी मदद से स्टार्टिंग का ये जो हिस्सा है इसको काटा जा रहा है। और इससे जब आप आगे की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ पर सामने ये है टनल का मेन पॉइंट, जहाँ से टनल की कटिंग का काम स्टार्ट हुआ है। और इसके बाद तो फिर आप देखोगे तो आपको पूरा ये 3 किलोमीटर लंबा पहाड़ का हिस्सा ही दिखने वाला है, टनल तो आपको यहाँ पर नहीं दिखने वाला है।
ये जो आप देख रहे हैं ये है सुरंग का नॉर्थ साइड का हिस्सा, और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो वैसे ही कॉन्सेप्ट आपको नजर आएगा, यानी कि टनल से 500 मीटर पहले यहाँ पर गहरी खुदाई का काम किया गया है ताकि इस जगह पर टनल का हिस्सा बनाया जा सके। इस जगह पर देखेंगे तो वैसे लोहे का फ्रेम भी आपको दिखेगा जो कि यहाँ पर लगा दिया जा चुका है, और अब यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा जी, जिससे कि क्या होगा ना कि ऐसा लगेगा कि सुरंग का ही हिस्सा है, लेकिन सुरंग तो और आगे से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहाड़ की खुदाई का जो काम है वो आगे किया जा रहा है। अब वैसे आप पूछेंगे कि भाई यहाँ पर क्यों ये 500 मीटर लंबा ये पूरा टनल का हिस्सा बना रहे हैं, यहाँ पे चाहते तो नॉर्मल हाईवे बना सकते थे। ये इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि ये जो मुकुंदरा हिल्स रिजर्व है ना, तो इसमें जंगली जानवर जो है आसानी से इस जगह को क्रॉस कर सके, इसी वजह से जो गाड़ियाँ हैं उनको ज़मीन के नीचे रखा गया है और जो जंगली जानवर है वो इस जगह को आसानी से क्रॉस कर सके, इसी वजह से टनल से 500 मीटर पहले यहाँ पर कंक्रीट का हिस्सा तैयार किया जा रहा है, जिसकी मदद से हम और आप एक्सप्रेसवे को होते हुए आगे की तरफ जा सकते हैं, चाहे दिल्ली या फिर मुंबई। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर किया जा रहा है यहाँ के जो जंगली जीव हैं उनके लिए। टनल से पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर दोनों तरफ ट्विन टनल पे खुदाई का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन कंपेयर टू जो मैंने आपको पहले जो इसका साइड दिखाया था, यानी कि जो मैंने आपको इसका साउथ साइड दिखाया था, वहाँ पर ज़्यादा काम किया जा रहा है खुदाई का कंपेयर टू इस तरफ के, क्योंकि इस तरफ मुझे ज़्यादा खुदाई का काम दिख नहीं रहा है। इस तरफ मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि यहाँ पर जो तैयार किया जाना है टनल का जो आगे का हिस्सा, उस पे टीम काम करती हुई नजर आएगी। और जब आप इस टनल से आगे की तरफ बढ़ेंगे, जब आप मुंबई की तरफ चलेंगे, तो यहाँ पर आपको एक रोड दिखेगा और उस रोड के ऊपर फ्लाईओवर का काम किया जा रहा है। जब आप इस टनल से आगे चलते हैं मुंबई की तरफ, आगे चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ, तब आपको दिखेगा कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है। इस जगह पर एक अंडरपास भी बनाया जा रहा है, अंडरपास का स्ट्रक्चर तो बनकर तैयार हो चुका है, इसके ऊपर अभी आसपास फ्लोर वर्क का भी काम हो चुका है, अभी इसके आसपास मिट्टी वर्क का काम किया जाना, अर्थवर्क का काम किया जाना। इस टनल से 3 किलोमीटर आगे, यानी कि इस तरफ जब चलेंगे, जब हम और आप कोटा की तरफ, तो हमें एक इंटरचेंज भी मिलेगा, लेकिन उस इंटरचेंज से पहले अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा आपको यहां पर काम देखने को मिलेगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इस टनल से निकलोगे और आपको नॉर्मल हाईवे का पार्ट मिलने वाला है, वो इसलिए नहीं मिलेगा भाई कि देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा ये जंगली इलाका है तो आसपास जंगली जानवर तो रहेंगे, तो उस जंगली जानवर को क्रॉस करने के लिए भी यहां पर आपको अंडरपास दिखेगा जो कि बनाया जा रहा है, एनिमल अंडरपास। और इस जगह पर अगर आप देखेंगे तो उसी अंडरपास को बनाने का काम यहाँ पर टीम कर रही है। वैसे इस जगह पर देखोगे तो देखो आपको कोई रोड नहीं नजर आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पर कंक्रीट का स्ट्रक्चर आपको जरूर दिख जाएगा जो कि यहाँ पर बनाया जा रहा है। इससे जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आपको हाईवे का पार्ट मिलेगा, और अच्छी बात बता दूँ ये जो हाईवे का पार्ट है ना जो कि बनाया जा रहा है यहाँ पर, ये जो नॉर्मल जो ज़मीन है ना, जो सरफेस है, उससे तकरीबन ये 7-8 फीट ऊपर है, और यहाँ पर वॉल भी बनाया जाएगा ठीक। तो ये जो जैसा देख रहे हो ना, ये पूरा एक्सप्रेसवे के साइड में एक्चुअली ऐसा ही एक रैंप होने वाला है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा एक्सप्रेसवे का हाईवे का पार्ट होने वाला है, और ये पूरा आगे 3 किलोमीटर तक यानी कि इंटरचेंज तक ऐसा ही करने वाला है। अब आप सोचोगे कि भाई यहाँ पर क्यों जमीन से 5 फीट ऊपर बना रहे हैं या फिर वॉल दे रहे हैं, तो इसलिए जैसा कि मैंने आपसे कहा जंगली जानवर यहाँ पर बहुत रहते हैं, तो हिरन या फिर जो बंदर है वो जंप करके एक्सप्रेसवे के ऊपर ना आ जाए, इसी वजह से यहाँ पर वॉल बनाया जा रहा है जो कि अच्छा खासा हाइट उसका होने वाला है। और ये जो आप देख रहे हो ऐसा ही वॉल आपको पूरे इस 3 किलोमीटर हिस्से पे देखने को मिलेगा इंटरचेंज तक। जैसे जैसे इंटरचेंज की तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि हाईवे का पार्ट है, और उस हाईवे के पार्ट पे अभी कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, और वो किया जा रहा है अर्थवर्क का, और कई जगहों पर तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर डीबीएम वर्क का भी काम हो चुका है। और ये जो हिस्सा देख रहे हैं यहीं पर बनाया जाना है इंटरचेंज, और इस इंटरचेंज का काम दिल्ली बिल्डरकॉम नहीं, इस इंटरचेंज का काम कर रही है कंपनी GHV, तो इसी कंपनी द्वारा यहाँ पर इंटरचेंज बनाया जा रहा है। यहाँ पर जो इंटरचेंज होने वाला है वो कोरल लीफ इंटरचेंज पूरा होने वाला है। इंटरचेंज का आपको आकार यहाँ पर लेता हुआ अब नजर आएगा, अर्थवर्क का काम उसके रैंप वाले हिस्से पे किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अगर आप देखेंगे जिस NH52 को ये क्रॉस कर रहा है उस जगह पर अभी फिलहाल अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन का काम किया जाना है, क्योंकि एक्सप्रेसवे यहाँ पर क्रॉस कर रहा है, तो इस वजह से यहाँ पर फ्लाईओवर का हिस्सा होने वाला है, और फ्लाईओवर के हिस्से पे तो अभी देखेंगे तो पिलर वर्क का काम हो चुका है। यहाँ पर
आई गर्डर डाले गए हैं और उस आई गर्डर के ऊपर अभी फिलहाल फ्लोरिंग वर्क का जो काम है वो रह रहा है एक्सप्रेसवे के ऊपर। और इस इंटरचेंज से जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो फिर इसके बाद आता है कोटा का इंटरचेंज, जी हाँ, जिसकी मदद से आप कोटा को जा सकते हो। वैसे कोटा जाने के लिए दो इंटरचेंज मिल जाएंगे, एक यहाँ पे मुकुंद्रा में, एक और आगे आपको कोटा के लिए मिल जाएगा। इस वाले से भी आप जा सकते हो, इस तरफ जाओगे तो यहाँ से 30 किलोमीटर है कोटा सिटी, और राइट हैंड साइड में इस तरफ जाओगे तो आप इंदौर जा सकते हैं, भोपाल जा सकते हैं। टर्नल है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, इस तरफ मैं आपको दिखा रहा था, इस तरफ टर्नल बनाया जा रहा है। इसी तरफ से ये जो पहाड़ के कटिंग का मलवा है ना भाई, उसको जब लेके आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ना आपको एक व्हीकल दिखेगा, ये देखो, यहाँ पर इन व्हीकलों की मदद से पहले तो डंप किया जा रहा है पत्थरों को जो कि कटिंग करके लाया गया है। ये बड़े बड़े पत्थर है तो इसको यहाँ पर तोड़ा जाएगा बर्बेटर से, उसके बाद जब इनको तोड़ लिया जाता है तो फिर यहाँ पर जो मशीन दिख रही है ना, इसकी मदद से व्हीकल के ऊपर लोड किया जाता है। और ये व्हीकल आगे जो ये देख रहा हूँ वहाँ पर वो जो पहाड़ नुमा ऐसा बना हुआ है, उसी जगह पर जाकर इसको पत्थरों को डंप कर रहे हैं, और फिर क्रशर मशीन के जरिए इसको क्रश करने के बाद जो स्ट्रक्चर बनाने का काम है यहाँ पर, उसमें इसको यूटिलाइज कर रहे हैं। तो मतलब एक तीर से दो निशाने, इसी से मटेरियल भी तैयार हो जाएगा और पहाड़ की कटिंग भी हो जाएगी, समझ रहे हो ना। और यही यहाँ पर अगर आपको देखोगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा। वैसे सच बताऊँ तो मैं यहाँ पर पूरा दिन अगर रुकूँ ना तो भी मैं बोर नहीं हूँगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत काम है देखने के लिए भी और आपको दिखाने के लिए भाई। क्योंकि यहाँ पर आना ना सच में मेरे लिए बड़ा गर्व की बात है, क्योंकि आप जो ये देख रहे हो इसको महसूस कर पाना ना, शायद मेरे पास शब्द नहीं है। क्योंकि यहाँ पर सोचो पहाड़ को काटना है और वो भी अपने देश में पहली बार किया जा रहा है, क्योंकि इतना चौड़ा आपको कहीं पे भी टनल देखने को मिला नहीं है अभी तक, और वो देखने को अगर मिलेगा भी ना तो इसी एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे। तो अपने देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे तो है ही, लेकिन सबसे आधुनिक भी यही एक्सप्रेसवे होने वाला है जो कि आपको देखने को मिलेगा, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। वैसे टनल का जो डेडलाइन है वो है 31 मार्च 2024 का, तब तक ये टनल बनकर तैयार हो जाएगा। और टनल से पहले जो हाईवे का पार्ट है वो तो 2024 से ही यानी कि इसी साल के अंत तक बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन टनल वाला हिस्सा क्योंकि बहुत सारा कटिंग का काम करना है तो इसलिए उसमें टाइम लगने वाला है, क्योंकि भाई पहाड़ को काटना आसान काम नहीं होता है, समझ रहे हो ना, इसलिए बहुत सारा टाइम इनको लगने वाला है और काम भी कोई छोटा है नहीं। वैसे इस जगह पर अगर नज़ारा भी देखोगे तो बहुत कमाल का है, दोनों तरफ आपको ये टनल दिखेगा और उसके बाद आप यहाँ पर ये हिल्स दिखेंगे जो कि बहुत बहुत खूबसूरत लग रहे हैं इस वक्त पे। और सोचिए नज़ारा उस वक्त पे कितना ख़ास होगा जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात ये है कि चलो जंगली जानवर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम और आप, है ना। चलिए तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का आज का ये अपडेट यहीं पे समाप्त करते हैं, और इससे आगे का भी अपडेट मैं आपको दिखाऊंगा सवाई माधोपुर का कि वहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि सवाई माधोपुर को कनेक्ट करने के लिए भी इंटरचेंज बनाया जा रहा है। इनफैक्ट मैं एक काम करता हूँ, आपको सवाई माधोपुर से लेकर चलता हूँ ड्राइव करके और दिखाता हूँ कि कितना कुछ काम हुआ है, क्योंकि वो वाला हिस्सा मैं ट्राई करता हूँ ड्राइव करने का। आज के लिए तो बस इतना ही, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इस वीडियो को शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को मोटिवेट करने के लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, जय हिंद। वैसे ये जो टनल देख रहे हो ना, ये जो ज़मीन से ना ये 30 फीट नीचे बनाया जा रहा है जी, ये जो देख रहे हो ये वाला हिस्सा ये 30 फीट नीचे है, मतलब 3 फ्लोर नीचे आप आओगे और सीधा इस टनल के अंदर अपनी गाड़ी को लेते हुए निकल जाओगे आसानी से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। तो यहाँ पर जो नेचर है उसको भी सुरक्षित किया जा रहा है, और टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करके इस जगह पर इंडिया को न्यू इंडिया बनाया जा रहा है इस नए एक्सप्रेसवे की मदद से, जिसे कहते हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। Oh,